नमस्कार। ओम गुरुभ्यो नमः। हम गम गणपते नमः। हम हनुमते नमः। हम राम रामाय नमः। हम मातृश्री नमो नमः। ओम जगज्जननी आदिमाता नवदुर्गाय दशमा विद्या अष्टमा कालिके अष्टमा लक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता महाराजी राजश्री चैतन्यमय आनंदमय कल्याणमय मातृश्री नमो नमः। ओम पितृप्रसाय नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नवग्रेभ्यो नमः। दशिपालेभ्यो नमो नमः। ओम स्तनदेवी सरस्वती क्रम योगम ताय इष्ट देवी इष्टाय कुलदेव कुलदेवताय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल। मैं आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला ओडिशा से। मैं एक वीडियो नक्षत्र फल 2023 कैसे निर्धारण करेंगे इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बनाया, लेकिन आप लोग कुछ थोड़ा सा समस्या में पड़ गए। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आया मेरा बात, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, यही है ना। तो चलिए बात करते हैं, मैं उसका ऊपर थोड़ा क्लारिफिकेशन देना चाहूंगा। राशि फल ये है कि केवल राशि के ऊपर बात होता है कि इस राशि वालों के ऊपर, जैसे ये पकड़ लो मेष राशि या मकर राशि, तो केवल मकर राशि 30 डिग्री के अंदर राशि के बारे में बात किया जाता है, वो मात्र 33%। ऐसा ही लग्न फल कहेंगे तो जो लग्न होगा वो लग्न फल भी 33%, ऐसे सूर्य फल कहेंगे वो 33%, लेकिन नक्षत्र फल वो बड़ा सटीक होता है, बड़ा माइक्रो लेवल का होता है। मैं आपको सारे अभी 27 नक्षत्रों के लिए बनाने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं केवल राशि के लेवल पे बात नक्षत्र के लेवल पे बात करता हूं, और आप कैसे निकालोगे उसका बता दे रहा हूं ताकि अपना अपना निकाल लेना। और मैं पूरा भी 9 ग्रहों का 7 नक्षत्र फल को निकालू तो एक एक नक्षत्र का करीब करीब 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। मैं सरल सहज रास्ता बता रहा हूं, हमारा कुछ अलग टेक्निक रहता है, तो वो टेक्निक क्या है चलिए पहले हम लोग ये निर्धारण करते हैं कि मकर राशि का जो धनिष्ठा नक्षत्र है इसको इसलिए मैं चूज कर रहा हूं क्योंकि अभी शनिदेव वहां चल रहे हैं, छोड़ के आगे भाग जाएंगे मकर राशि में। मकर राशि तो छोड़ के भाग जाएंगे लेकिन नक्षत्र में रहेंगे ये, यहां से क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ में भी जाके पहुंचता है दोपहर के लिए, तो राशि गोचर हो गया, नक्षत्र में 7.5 नहीं छूटा, क्लियर। और इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपके जन्म नक्षत्र में शनिदेव का गोचर होता है तो हमेशा अपने पिता के प्रति और अपने भजूत के प्रति, अपने इंटरनल जो सारे सिस्टम्स हैं उसके प्रति विपद शब्द तो नहीं लगाना है, विपद शब्द ठीक नहीं है, जन्म है फिर विपद कहां से आ गया है। तो आदमी का सारा सिस्टम शनि के एनर्जी से आप्यायित हो जाता है, तो क्या होगा उससे शनिकृत होने लगता है। अच्छा, नक्षत्र मंगल का अभी मैं धनिष्ठा नक्षत्र का ऑलरेडी सबसे बड़ा वीडियो बना के दिया हूं, 47 यूनिट का एक वीडियो है, इसी चैनल पे ढूंढ लेना मिल जाएगा, और बोलने का जरूरत नहीं। धनिष्ठा नक्षत्र क्या है, कितना नंबर नक्षत्र है, इसका पेड़ समी है, इसका गणपति त्रिमुखी गणपति हैं, इसका देवता श्री भगवान विष्णु श्री महाविष्णु हैं, और यहाँ ये इसका जन्म खास धर्म के लिए हुआ है, शूद्र और राक्षस इसका वगैरह वगैरह, अभी उतना सारा बोलने का आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी है, फिर उसे रिपीट करूं और मतलब टाइम पास है। हाँ, ये बोल रहा हूं कि यार कैसे चलेगा 2023, एक लाइन पे बताओ। सबसे पहला आप समझ जाने का कोशिश करिए, धनिष्ठा नक्षत्र जन्म नक्षत्र, अब यहां शनिदेव बैठे हैं तो पॉइंट वन, यहां से अगर हम लोग निर्धारण करना चालू करते हैं तो यहां आते हैं, क्लियर दिख रहा है ना धनिष्ठा, तो ये धनिष्ठा नक्षत्र का मैं क्या बताया हूं, कल बता दिया था उस वीडियो में बताया था कि जन्म नक्षत्र
तो और वहां मैलिफिक प्लैनेट गुरु बैठे तो अलग बात है। तो पहले क्या देंगे, जन्म नक्षत्र मीन्स, और यहां पर हम लोग एक राउंड देंगे, एक शून्य देंगे, ठीक है। उसके बाद ये मिल गया, एक नंबर मिल गया, ठीक है। दूसरा, यहां से अभी आगे चलेंगे, धनिष्ठा सतभिषा पूर्व भाद्र उत्तर भाद्रपद चतुर्थ स्थान में गुरु बैठे हैं, तो गुरु के लिए 1 2 3 4 गिनो क्षमा, तो क्षमा के लिए फिर एक राउंड देते हैं जीरो, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी एक आगे चल के भरणी नक्षत्र में राहु है, तो धनिष्ठा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जन्म संपद विपद क्प्रत्यारी साधक बाधक, आप यहां एक क्रॉस दे दो। धनिष्ठा नक्षत्र को 3 बड़े प्लैनेट, उसमें से 2 अशुभ ग्रह और 1 शुभ ग्रह, 0 0 क्रॉस। धनिष्ठा का क्या चल रहा है देखो आप। फिर आगे चलेंगे, केतुदेव क्या दे रहे हैं, स्वाति नक्षत्र में केतुदेव यहां पर बैठे हैं, दिखाई देता होगा। तो केतुदेव के लिए फिर वही गिनती गिनती करके आइए, यहां से गिनना है 9 तक गिनेंगे, फिर 1 से शुरू करेंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहां 14 नक्षत्र समापन हो गया। फिर यहां से गिनेंगे ये जो मंगल का नक्षत्र को हम लोग टारगेट बनाए थे, 1 गिन रहे थे धनिष्ठा नक्षत्र को, तो यहां भी ऐसा ही धनिष्ठा नक्षत्र से अगला मंगल का जो नक्षत्र है, तो मंगल का कितना नक्षत्र, मंगल का यहाँ कितना नक्षत्र है, मंगल का मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा, तो धनिष्ठा के बाद यहां पर चित्रा नक्षत्र आ गया, तो चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, मंगल से आगे के लिए जन्म संपद, संपद में क्या मिल गया, एक्टो यहां उसको एक टिक मिल गया, तो 0 0 क्रॉस टिक ले दे के क्या हो गया, ये 0 0 क्रॉस टिक 1 राइट। तो धनिष्ठा वालों का यहां ऊर्जा शक्ति कितना हो गया इस समय, ये ऊर्जा शक्ति मात्र 1 शुभता लिए हुए चल रहा है, मात्र 1। लेकिन अगर यहां पर 3 टिक मिला होता या 3 क्रॉस मिल गया होता, अच्छा ये इतना एनफ नहीं है, इससे फिर आगे क्या देखोगे, तो 4 ग्रह का हो गया। अब अभी यहां पर इसी नक्षत्र में सूर्यदेव भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, माने इस तुला राशि में, ठीक है, शुक्र बुध सूर्य, इनका नक्षत्र देखिए, ये नक्षत्र मिला के अभी यहां से हो गया 4 में से 1 ठीक बड़ा प्लैनेट का, तो मतलब अभी धनिष्ठा नक्षत्र का ये जो 100% में से 25 25 25, तो कितना चल रहा है, 25% यहां से मिल गया है, तो धनिष्ठा नक्षत्र अभी 25% में, यानी 2023 धनिष्ठा नक्षत्र को ये 4 प्लैनेट कब तक, अप्रैल को गुरु भाग जाएंगे इधर, जब तक ये नक्षत्र में हैं तब तक, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि यहां से जब गुरु नक्षत्र परिवर्तन करके रेवती में चले जाएंगे, यानी और 1.5 2 महीना 3 महीना के बाद, तो फिर 2 शुभता इसको मिलेगा, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 प्रत्यारी नक्षत्र में आएंगे, तो प्रत्यारी नक्षत्र फिर एक क्रॉस मिल जाता है, तो कितना शुभता धनिष्ठा नक्षत्र का होने वाला है, ये इधर क्रॉस क्रॉस 2 क्रॉस 1 राइट, जब 2 क्रॉस क्रॉस मिला 1 राइट, तो यहां 25% फिर से माइनस हो गया, 25% फिर से माइनस हो गया, फिर ओनली 25% मिल रहा है शुभता, कंफर्म। इस 25% के साथ बाकी नक्षत्र जो नक्षत्र हैं, ये तो तुरंत परिवर्तन करने जाते हैं, जैसे सूर्यदेव 1 महीना रहते हैं, 3 नक्षत्र पद है, 10 दिन में 1 नक्षत्र पार, फिर ऐसे ही बुध और शुक्र का भी बहुत कम समय का गोचर रहता है, चंद्रमा का बहुत कम समय का रहता है, जब ये 9 के 9 ग्रह नक्षत्र में आए और ऐसा क्रॉस, जैसे ये बाधक, जब बाधक जोन पे जाता है तो 2 क्रॉस मिलता है, 2 क्रॉस, और अगर अतिमित्र में आता है
तो दो राइट देंगे, तो उसी हिसाब से आप निर्धारण करेंगे कि ये 2023 मेरे लिए कितना शुभ है और कितना अशुभ है। तो ये छोटे प्लैनेट कम समय के लिए ये आपके एनर्जी को बढ़ाते हैं, और उतना सब अगर मैं यहां बैठ के हिसाब करने लग जाऊं एक डेढ़ घंटा एक 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 नक्षत्र के लिए, या उससे ज्यादा लग जाएगा। तो ओवरऑल अभी धनिष्ठा नक्षत्र का, मकर राशि का यही कहा जाएगा कि 25% 2023 में अप्रैल तक, और अप्रैल के बाद इसका शुभता फिर थोड़ा सा घटेगा। और जब ये राहु नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तर भाद्रपद में भी आ भी जाएंगे, सॉरी राहु रेवती में आ जाएंगे, तो कब आएंगे? अक्टूबर में आएंगे। तो अक्टूबर के बाद ये आपका नंबर कितना मिल जाएगा? करीब करीब 50%। उसी हिसाब में आपके जीवन का निर्णयों को लेना है। क्लियर? अगला वीडियो मैं श्रवणा मकर के लिए बना रहा हूं।